हिमाचल प्रदेश सरकारी राशन वितरण का काम कर रहे डिपो संचालकों ने लंबे समय से चली मांगों को फिर प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। रामपुर में शिमला, कुल्लू व मंडी जिला के डिपो संचालकों ने रामपुर में बैठक की और निर्णय लिया कि आगामी उपचुनाव में सरकार द्वारा उनकी मांगे न माने जाने की सूरत में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। उपस्थित डिपो संचालकों को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि डिपो संचालक सरकार की योजनाओं को, चाहे पीडीएस राशन हो या फिर गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस सिलेंडर आदि, लोगों को घर घर सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ सरकार स्तर पर नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने अन्य कई राज्यों के तर्ज पर 15 से 18,000 रुपये मासिक वेतन या फिर कमीशन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम को भी दुरुस्त करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन जो राशन सरकार का जन जन तक पहुंच रहा है उनके डिपो होल्डर्स के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले डिपो संचालकों की सरकार सुध नहीं ले रही है, और अब डिपो संचालकों ने निर्णय लिया है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आगामी उपचुनाव में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हमारे जो डिपो संचालक समिति है, हमारे प्रदेश के जो डिपो संचालक हैं, उन्हें लंबे समय से जो है वो आज तक सरकार ने जो है वो एक पैसा भी जो है वो आर्थिक मदद सरकार ने नहीं दी। कोरोना काल में हमारे जो डिपो संचालक हैं, उन्होंने लोगों की सेवा करते करते हमारे 12 डिपो संचालकों ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक उनके आश्रितों को फूटी कौड़ी नहीं दी गई। हालांकि हमारे खाद्य पूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग जी ने ये घोषणा की थी, 10 अक्टूबर को हमने सम्मेलन किया था एक हमीरपुर में, और 24,44,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर जो है वो डिपो संचालकों को, प्रदेश के डिपो संचालकों को देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक सरकार की ओर से जो है जो हमारे डिपो संचालक जो है वो अपनी जान उन्होंने त्याग दी कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते, ना तो उनके आश्रितों को दे पाए और ना बाकी डिपो संचालकों को जो है वो सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिली है। और जो हमारे डिपो संचालक एक लंबे काफ़ी लंबे समय से पीडीएस का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा में जुटे हैं, उन्हें भी आज तक जो है वो उनकी तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और हमने बार बार सरकार के समक्ष जो है वो अपनी मांगे रखी, लेकिन हमारी हर मांग को जो है वो सरकार के द्वारा जो अनसुना किया गया।